दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हल्द्वार का गुदड़ी मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो काफ़ी पुराने समय से लगता रहा है। आज मैं हल्द्वार में आया हूं आपको इस गुदड़ी मेला को दिखाने के लिए। इस समय जो है शाम के लगभग 3 बजे हैं और धीरे धीरे जो है मेला देखने के लिए जो लोग हैं वो आने प्रारंभ हो गए हैं। शाम के समय जो है और अधिक रौनक बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे और युवा जो मेले का बहुत अच्छा आनंद उठाते हैं वो सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि मेले के बारे में कि मेला कैसा भरता है। पैजनिया से? पैजनिया से तो मेला देखने आए हो? हाँ जी, मेला देख। आइसक्रीम का मजा ले रहे हो? जी आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। अच्छा, क्या जानते हो मेले के बारे में? ज़्यादा नहीं जानते। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर काला जादू भी लगा हुआ है। सामने झूले वगैरह ये आप देख सकते हैं, ये देखिए झूले चल रहे हैं। हालांकि अभी जो है झूलने का जो है पूरा आनंद लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अभी समय जो है 3 बजे हैं और लगभग धीरे धीरे जो है मेला अपने सबाब पर आता रहेगा। क्या जानते हो जी मेले के बारे में, बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? मेला चल रहा है इस टाइम, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो गुदड़ी का मेला देखने के लिए। क्या नाम है जी आपका, बताओ? अरे शर्माओ मत। अच्छा जी, आप बताओ जी। हाँ जी, इस मेले के बारे में बताइए, ये मेला कब भरता है? ये दोहेज का मेला है ये जी, और बड़ा ही अच्छी तरीके से बड़ा सुंदर मेला भरता है ये। अच्छा, किसी तरह कोई बदतमीजी नहीं होती है। हाँ, और बड़े अच्छे से पब्लिक यहाँ पे घूमती है। तो कितने दिन चलता है लगभग ये? 22 तारीख लास्ट है, 22 तारीख को समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। लोगों के खाने के लिए जो है पान वगैरह की दुकान भी है, तो कैसी चल जाती काम? तो कल से बाजार सोने शुरू हुए। अच्छा, पहले तो पान पान की बिक्री अच्छी हो जाती है? हाँ, पान की खूब होती है यहाँ तो बहुत परंपरा है, मेला है, बहुत पुराना मेला है। अच्छा, ये जो बताइए, जैसे पशुओं का मेला भी भरता था पहले, वो फेल हो गया था, वो बंद हो गया? हाँ जी। अच्छा, वो कुछ बीमारियाँ आ गई थी जी, इसलिए वो बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ, उधर भरता था जिधर बूढ़े बाबू का मेला भरता है। तो यहाँ पर जो है ये रियासत भी तो है? सामने रियासत है ये। अच्छा, क्या नाम उनका? उमर साहब का नाम उनका, उनके पिताजी का नाम तो शेर सिंह था। हाँ, शेर सिंह, राजा शेर सिंह की ये रियासत है। सामने ही महल बना हुआ है, ये सब उन्हीं की रियासत के अंतर्गत आता है, सब उन्हीं की जगह थी ये। और यहाँ पर मेला लगाने का जो आयोजन है वो उन्हीं के द्वारा होता था। तो काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा महिलाएं बच्चे मेले का जो है वो आनंद उठा रहे हैं। ये देखिए वाले तुम्हें क्या मना कर रहे हैं? हाँ, आप करिए, आनंद करिए पूरा। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेले का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पर जो मेले में रेल लगी है और यहाँ पर ये छोटे बच्चों की जो है जीप वगैरह है, इसमें देखिए बच्चे कितना अच्छा लग रहा है बच्चों को, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल रूप से मेला होता है। ये देखिए, ये देखिए। तो क्या नाम है जी आपका, आप कहाँ से आए हैं बताइए जी? कहाँ से आए हैं आप? फरीदपुर सदीरन। फरीदपुर सदीरन। अच्छा, तो मेले में तो आते रहते होंगे जी? अच्छा, कैसा लगता है मेला? अच्छा लगता है। पहली बार आए? पहली बार आए? हाँ, हम तो आते रहे। आते जी। ये देखिए तरह तरह के झूले यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग जो हैं बड़े उत्साहित हैं मेला देखने के लिए। ये देखिए। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। हल्द्वार के ही है। मेला कब तक भरेगा ये? ये भी 15 दिन की मंजूरी है सर। मेला तो बहुत बढ़िया भरता है जी, बहुत बड़ा। कहाँ से आए हो? बेगरातपुर। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो मेले में तो आते रहते होंगे? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, ये कब तक चलेगा? ये 22 तारीख से चलेगा। अच्छा, 22 सितंबर तक। बढ़िया मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला है।
चलिए जी, अपने बच्चों के साथ भी ये जो है मेले का आनंद उठा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड बाय। चलिए जी, तो दोस्तों आज के मेले में बस यही गतिविधियां मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था, तो मेले की वीडियो मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और शाम के समय जो है मेले की और अधिक रौनक बढ़ जाएगी।